अच्छा, ये मैं किताब लेके आया था, इस किताब के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये किताब है 0 to 1, पीटर थील की ये किताब है। अच्छा, 0 to 1 और 1 to n क्या होता है? दो तरह के बिजनेस होते हैं, दो तरह के आइडियाज होते हैं। एक वो आइडियाज होते हैं कि जो कि 0 से 1 पे जाते हैं और 1 से n पे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट है, मिसाल में आप कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, आपको पता है पहले से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जहाँ से मिली है, लोगों का टेस्ट ये है, ब्लैक पीते हैं, व्हाइट पीते हैं। आपको पता है बोतल का डिजाइन कैसा होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है आप उसी को यूटिलाइज करते हुए अपना बिजनेस बना रहे हैं, वो जा रहा है 1 से लेकर n तक। लेकिन कामयाब कौन सा बिजनेस है? कामयाब वही बिजनेस है जो कि 0 से लेकर 1 तक है। 0 कुछ भी नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब आप सोचे मार्कोनी के बारे में, आप सोचे मार्कोनी ने, मैं आपको अभी भी क्वेश्चन पूछा कि रेडियो के सिग्नल्स जाते कैसे हैं, हवा में सिग्नल्स ट्रेवल कैसे करते हैं, आपकी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पर जाती कैसे? यहाँ पे समझ लो कि इकोसिस्टम लगा हुआ है, लेकिन आपकी वीडियो जाती कैसे? हवा में जा रही है, वीडियो हवा में आ रही है, बूस्टर लगा हुआ है, कैचर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर लगा हुआ है, यानी जा कैसे रहे? अभी तो मैं एक बात कहूँगा तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, हो सकता है, क्योंकि आपने सबने करते देखिए। 200 साल पहले मार्गोनी को देते थे, पागल है, नफसियात के हॉस्पिटल में जमा करा दिया उसको कि भाई इसके दोस्त मुझे पागल हो गया, हवा में बातें कर रहा है, हवा में जाएंगे सिग्नल में, यहाँ पे अमेरिका में मेरा बंदा सुन लेगा, वीडियो देख लेगा, मेरी आवाज सुन लेगा। 100 साल पहले उसको पागल लोग कहते थे। बोले नहीं यार, कोई ना कोई चीज होती है, आवाज ट्रांसमिट होती है, वाइब्रेशन तो मौजूद है, आवाज इको तो होती है, इस आवाज को खींचना कैसे, अपनी रिक्वायरमेंट बेस को लेना कैसे, आइडिया है ना। ऐसा बिजनेस जो कि नहीं था। अब आप देख लेंगे, अगर इस किताब में नेपाल की मिसाल दी है, लोगों को बहुत मुश्किल थी कि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने का, उनको बैंक जाना पड़ता था, वहाँ से सबमिट करना पड़ता था, पे ऑर्डर बनाना। हमने बोला कि जरूरी नहीं, हम आराम से बैठे पेमेंट ट्रांसफर करें, एक बंदे को ऑनलाइन ही, एक बंदे को ट्रांसफर करें, दूसरे को पहुंच जाए। ये मसला उन्होंने हल किया। कैसे हल किया? नेपाल के थ्रू। आप देखिए नेपाल कितना बड़ा जो वो लेके गया वो दुनिया के अंदर। इसी तरीके से अगर आज आप जो है वो बिल गेट्स को या लैरी पेज को, जिन्होंने गूगल बनाया, उनको फॉलो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि राइट नाउ का बिल गेट्स, अगर आज बिल गेट्स पैदा होगा तो वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा? नहीं। अगर आज लैरी पेज पैदा होगा तो क्या गूगल बनाएगा? नहीं, आज गूगल नहीं बनाएगा, आज वो कुछ और बनाएगा, कोई नया आइडिया लेके आएगा, कोई यूनिक है, कोई ऐसा आइडिया लेके आएगा जो कोई यूनिक है, जो किसी के पास ना। एटलीस्ट सोचे तो सही कि मैं काम कर सकता हूँ। राइट ना आज इस दौर में आप कुछ भी सोच रहे हैं तो कोई हंसेगा नहीं आपके ऊपर, क्योंकि 50 साल पहले, 100 साल पहले तो हंसते थे लोग, क्या आप बुजुर्ग की बातें कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देख लें हेनरी फोर्ड के अलावा बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने बोला कि यार गाड़ियाँ जो है वो घोड़े से भाग रही, मैं इंजन बना दूंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स होंगे, वो गाड़ी को बंदी को खींच के लेके जाएंगे। बोलेंगे भाई क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, घोड़े को फोर्स कहाँ से आएगी? लेकिन उस बंदे ने सोचा कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें फोर्स होगी और वो बंदी को खींच के लेके जाएगी। वो थॉट करता और आज के बाद उसने बना दिया। कोशिश करी, स्ट्रगल करी 3, 4, 6, 7, 8 साल। इसी तरीके से ब्राइट ब्रदर्स के अलावा बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने ये देखा कि यार परिंदे हवा में उड़ सकते हैं, हम भी उड़ सकते हैं, तो उन्होंने ये काम कर दिया। हजारों मिसाल आपके पास मौजूद है कि जिन्होंने 0 कुछ भी नहीं था और बन किया। तो आप भी अगर वो यही काम कर रहे हैं ना कि डिजाइनिंग, ग्राफिक, हर बंदा वही कर रहा है, तो फिर इनोवेशन कहाँ से आएगी? जैसे कि हमारी कंपनी, मैं अभी किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी कि भाई आप बैंक में जाते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, बिल पे करते हैं कि भाई ये मेरा बिजली का बिल है, ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये मेरा एसएचजी का, सुई गैस का बिल है, जो भी बिल है आप बैंक में जाते पे करते हैं। हमने कहा कोई जरूरत नहीं बैंक जाने की, घर में बैठो, इसी पैसे की ऐप खोलो, जैस कैश की ऐप खोलो, बैंक में अगर जा रहे हो तो अगर आपका बैंक का अकाउंट है वर्लिंग के जैसे ट्रांसफर कर दो। ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई? हमने बनाई, हमारी कंपनी ने बनाई, और हम हर ट्रांजेक्शन की जांच करते हैं। मसला ये है कि हम लोग जो है वो चीजों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते। अच्छा, हम जो है वो देखो हमारे पास आइडियाज आते हैं, वो क्या आते हैं कि भाई कॉपी आइडियाज। मैंने कहा कि अगर आप बिल गेट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है वो इनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, लेकिन आप इनको कॉपी करें तो कोई फायदा नहीं है। इन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, इन्होंने इनोवेट किया। आपने भी इनोवेट करना है, कुछ नया बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है जो हम नहीं बना रहे। देखिए हमारा जो है वो दो आइडिया दो तरीके से होता है, कन्वेंशनल और मिस्ट्रीज। ठीक है, हमें कन्वेंशनल और मिस्ट्रीज के बीच में जाना है। अच्छा, कन्वेंशनल क्या होता है? एक आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पहले से मौजूद है, हम उसी को यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे भाई मैं जो है वो डिस्कवरी करना चाहता हूँ कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था। आपने कहा मैं भी दरियाफ्त करता हूँ, मैं भी लेकर जाता हूँ, पूरी दुनिया घूमता हूँ, शायद कोई मुझे कोई एक ऐसा खिता मिलता है, जजीरा मिलता है, जिसको मैं दरियाफ्त करूँ, वहाँ पर सोना ही सोना हो, हीरे ही हीरे हो। ठीक है, आपको फायदा नहीं, आपको पूरी दुनिया डिस्कवर हो चुकी है। इसी तरीके से ये कन्वेंशनल तरीका, आपको कोई भी बिजनेस करें जो कि पहले से एग्जिस्ट है। इसी तरीके से मिस्ट्रीज, आपके स्ट्रिंग थ्योरी, आसमानों में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो कि बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। इन तीनों के दरमियान एक चीज होती है सीक्रेट, ये आपको ढूंढना है। सीक्रेट क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सीक्रेट क्या था? मार्कोनी का रेडियो, ब्राइट ब्रदर्स का एरोप्लेन, बिल गेट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टीव जॉब्स का बगैर पैड वाला कीपैड मोबाइल फोन, कीपैड वाला पूरी की पूरी। अगर पता नहीं आप लोग ने ब्लैकबेरी मूवी देखी है, देखिए जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी ब्लैकबेरी की। स्टडीज करते हैं मूवी का मतलब ये होता है कि फला बेकार मूवीज बहुत अच्छी होती है, तो एजुकेशन मूवीज जैसे ब्लैकबेरी, उसमें पूरा का पूरा बताया कि भाई वो किस तरीके से उन्होंने मोबाइल फोन के अंदर वाईफाई इन्वेंट किया था। मोबाइल फोन पहले ही सबसे पहले लेके आया ब्लैकबेरी, लेकिन ब्लैकबेरी बर्बाद हुआ इस वजह से, तो कहते हैं कि नहीं कीपैड इज कीपैड, लोग कीपैड नहीं छोड़ेंगे। एप्पल ने बता दिया उसकी कॉम्पिटिशन लेके आ गया, एक नई चीज लेके आया कि भाई टच में भी कीपैड हो सकता है। वो कहता है कि नहीं टच में तो फोन कीपैड यूज करेगा, लोगों को फील होनी चाहिए। बटन क्लिक होना चाहिए, मतलब नहीं एक दौर आएगा इसमें लोग टच पैड की तरफ जाएंगे और आज आप देख लें किसी सबके पास टच फोन है तो वो चला ही गया, रोते और खत्म हो गया। तो ये चीज है कि इनोवेशन तो आपने भी ये काम आप कर रहे हैं ना, तो कन्वेंशनल तरीके से करेंगे तो शायद पता नहीं सक्सेस मिलेगी, मिले $1000-2000 बना ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमने इनोवेशन करनी है। सीक्रेट्स में क्या होता है कि सीक्रेट्स हम लोग आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी बड़ी मुश्किल वाली वजह है। इसकी वजह है कि हमारी जो है ना वो सोच है इंक्रीमेंटलिज्म सोच। हमारी इंक्रीमेंटलिज्म सोच क्या होगी ना, बोला हमारे स्कूल के अंदर सबसे पहले बताया था कि आपको करिकुलम फॉलो करना है, आपने 2+2=4 बोलना है। आपने अगर करिकुलम फॉलो किया, जैसे कि वो मूवी थी इसके अंदर वो कहता है कि भाई साइंस की डेफिनेशन क्या है, तो कहता है कि भाई ये साइंस की डेफिनेशन है। साइंस क्या होता है कि भाई वो कुछ एक अजीब सी करके से ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है, बताइए ये साइंस मशीन है, ईज ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ यूज डेली यूजेज है। बोलते नहीं ये नहीं बोलना, आपने जो कॉपी में लिखा हुआ है वो है। तो हमारे जो स्कूल है, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे एजुकेशन इदारे, वो क्या कहते हैं कि नहीं जो लिखा हुआ है वो फॉलो करना है। वो लिखोगे तो तुम्हें गुड भी मिलेगा, तुम्हें एप्रिसिएशन भी मिलेगी, अगर तुम इसके हट के ना हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कद्दू नहीं मिलेगा। ये वाला मसला है। तो हमारा जो इदारा है ना, अब यहाँ पे तो जितने बच्चे बैठे हैं उनको पे तो कोई बाउंड्री नहीं है ना, कोई ठोक तो नहीं रहा है, किसी पे सोच का फुकदान तो नहीं, हर इंसान हर चीज सोच सकता है। सोचने में कोई पाबंदी नहीं है, जो सोचना है सोचे, सोच पे कोई किसी के गद्दे नहीं लगा सकता आपके ऊपर। दूसरा एक और मसला ये है कि हम लोग रिस्क से घबराते हैं, हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक किताब थी ब्रेट ब्रेसी की किताब थी पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। अगर मैं आपको इस बात की जमाना दे दूं कि अगर आप कोई काम शुरू करें आपको 100% होगा, तो आप मुझे ये बताएं वो काम आप किस तरीके से कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप कोई काम करने शुरू करने की इतना करते हैं कि मैं काम करूँगा, आपके रिश्तेदार बोलते हैं यार ये तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये कर ही नहीं सकते, तुम इसके लिए बैठे ही नहीं हुए, तुम तो जॉब के लिए बैठे हुए, तुम्हारे बाप ने भी ऐसा बिजनेस नहीं किया, तुम तो कभी सोच ही नहीं सकते आगे, तुम तो जो है वही रहोगे। हजारों थॉट्स आ रहे होते हैं, हमें डर लग रहा होता है। तो दूसरा जो मसला ये है कि रिस्क, हम लोग रिस्क लेते ही नहीं है इतना। वो एक मूवी का पॉइंट है, मैं बार बार पता नहीं मूवी को कोट कर रहा हूँ, एजुकेशन अच्छी मूवीज भी आती है। वो कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, तो भाई ये नहीं है तो कुछ नहीं है। रिस्क लेंगे तो ज्यादा से क्या होगा यार, एक बोलते हैं रिस्क लेते हैं नाकाम होते कामयाब होते, एक बोलते तो कुछ लेते ही नहीं है। एटलीस्ट आपने कुछ तो लिया है, रिस्क तो लिया है, ज्यादा से क्या होगा नाकामी होंगे ना, उससे भी फायदा है, आपको उसमें भी नॉलेज मिलेगी, बहुत नॉलेज मिलेगी। एटलीस्ट स्टेप नहीं करेंगे कुछ करें, कुछ लोग एक्स्ट्रा करें जरूर। तीसरा ये है कि हमारा कॉम्प्लिसेंसी, अच्छा कॉम्प्लिसेंसी का मतलब ये होता है कि हम किसी एक इदारे में जाते हैं, वो कहते हैं कि आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, आप मजे करें चिल करें, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप बोलते हैं हमारा करिकुलम फॉलो करें, हमारा कोर्स फॉलो करें, आप चीजें बन जाएंगी, आप कोई एक्स्ट्रा सोचते ही नहीं, आप सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक फोकस एक बंदे को डाल देते हैं, ये भी गलत है। वहाँ पे आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो ये कंफर्ट जोन का बड़ा मुश्किल मसाला होता है। तीसरा है फ्लैटनेस में ये चीज आती है कि यार ये मैं काम क्यों करूँ, अगर कोई सीक्रेट ढूंढ रहा हूँ, दुनिया में कोई सीक्रेट ढूंढ रहा हूँ, तो सीक्रेट जो है दुनिया भर में इतने सारे करेजियस लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उन्होंने क्यों ढूंढा, तो इसका मतलब ये होगा अगर उन्होंने नहीं ढूंढा तो उस दुनिया में कोई सीक्रेट मौजूद ही नहीं है। कोई बोल सकता है कि एआई के बारे में आप बोलेंगे भाई ये तो एआई पे आपने क्या करूँ, दुनिया भर में जो है वो सब लोगों ने काम कर दिया, अब हर चीज मौजूद है, लेकिन नहीं, अभी भी दुनिया में आज से 10 साल पहले अब आप ये बोल रहे थे हर चीज इन्वेंट हो चुकी है, कुछ नया इन्वेंट नहीं होगा। अब आप 2 साल बाद देखिए ऐसी चीजें आएंगी जो आप बोलेंगे हैं ये कैसे हो गया, मैं सोच नहीं सकता। ऑटोमेटिक कराची में आप बोलेंगे गाड़ी चल नहीं सकती, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी कराची में चल नहीं सकती, लेकिन चल रही होगी, आपको यकीन आ जाएगा नहीं चलेगा। वो अपने आपको इतना ट्रेन कर देगा वो खड़े होने से भी गाड़ी निकाल लेगा, तो कंप्यूटर है इंसान नहीं है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर भी छोड़ना शुरू कर देंगे, उन्होंने वो तो इतना काबिल इंसान था उसने काम क्यों नहीं किया, उसने नहीं किया, यही काम आपको लगे कि आपने वो काम करना है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा 2 सवाल आपने नेचर से आपने जरूर सवाल करना है, अगर आपको 0 से 1 तक जाना है ना 2 सवाल आपने जरूर करने हैं। पहला सवाल ये है कि नेचर आपको क्या चीज नहीं बता रही, क्या चीज वो छुपा रही है, और दूसरा सवाल ये है कि लोग आपको क्या चीज नहीं बता रहे। जब आप ये चीज सोचेंगे कि नेचर आपको क्या चीज नहीं बता रही और लोग आपको क्या चीज नहीं बता रहे, आपको प्रॉब्लम खुद ब खुद आइडेंटिफाई हो जाएगी। जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपके किसी की बिजनेस में ईज लेके आएंगे, वो खुद ब खुद आपको पैसे देने शुरू हो जाएगा। पूरे बिजनेस क्या है, मोबाइल ऐप क्या है, ये क्या है, माइक क्या है, स्पीकर क्या है, ये मेरा काम आसान करने के मेरी आवाज दूसरे तक पहुंचा, लेकिन मैंने खरीदा 5000 10,000, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने बाइक खरीदी, मैंने साइकिल खरीदी, मैंने कुर्सी खरीदी, आपने आसपास में इतनी हजारों चीज होंगी, आपने घड़ी खरीदी, आपने मोबाइल फोन खरीदा, आपने बैग खरीदा, आपने शर्ट खरीदी, आपने पैंट खरीदा, आपने हर चीज खरीदी है। यहाँ पे कोई चीज बनाई नहीं, किसी ने तो बनाई होगी, फैन खरीदा, क्या चीज बनाई, कुछ ना कुछ खरीदा ना। तो कोशिश करें कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी दुनिया में, और उसी प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन निकालना है। 2 सवाल आपने करने, खुद ब खुद कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मैं भी अपना सवाल करूंगा, आप भी सवाल कीजिएगा, ढूंढे कुछ नया करने की, जो सब करे वो ना करे, हर मतलब फ्रीलांसिंग कर रहा है आप भी करेंगे, हाँ कोई नई चीज लेके आए, कोई ऐसी चीज लेके जो कोई भी ना कर रहा हो, फिर आप देखेंगे कैसे कॉम्पिटिशन होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि दुनिया में जितने भी जो बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनको चेंज लाने में बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सेम काम कर रहे होंगे, जैसे फर्स्ट में पहले बहुत सारे डिजाइनर्स थे, कैनवा के सारे डिजाइनर्स को लाभ मांगे, एडोब फोटोशॉप के डिजाइनर था, एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने आपको कहा ना कि दुनिया भर में टॉप जो है वो खाली रहेगा, दुनिया भर में कोई टॉप के लोग आपको उंगलियों में नहीं गिन सकता, टॉप के लोग, वो टॉप की क्लास तो खाली रहेगी। लेकिन क्या हुआ, कैनवा के सारे एडोब वाले को लाभ मांगे, सारे ने अक्सर ये अब लोग क्या करें कैनवास ही बना बना के क्लाइंट में। मैंने खुद एक क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे एक बैनर बनाना बना के दे सकते हो? मैंने बोला हाँ बना के दे सकता हूँ। उससे क्या पता, मैंने एडोब से बनाया था, मैंने कैनवास से बनाया, उसको दिखाया, उसको पसंद आया, उसको एडिट किया, दे दिया, वो भी खुश मैं भी खुश, मुझे कुछ और मिल गया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको सिर्फ बेस ढूंढना है। तो मेन चीज़ यही है तो मैं इसके ऊपर तमाम करता हूँ। और ये पीटर थील की किताब है, वैसे इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, पता नहीं मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाया नहीं कर पाया। तो आपने जो है एक चीज़ ये करनी है, आपको कुछ बोलना है, जो सब कर रहे हैं आप भी वही करेंगे। तो यार जैसे मैंने एक्टिविटी कराई थी, फायदा नहीं है, कुछ निकलना है, मार्केट से निकलना है, आपको नजर आना है लोगों के सामने मैं कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ। और बाकी में हो यार आप, हर बंदा एक दूसरे बंदे से डिफरेंट है, उसमें कोई क्वालिटीज मौजूद है, ठीक है, वो एक्सप्लोर करनी है। अभी जैसे भाई ने कहा कि मुझे मेरा स्किल सेट क्या है, वो कैसे निकलेगा, वो खुद ही निकाल सकते हैं, मैं मेरा स्किल सेट ही निकाल सकता हूँ, उनको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा।